हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपने करने जा रहे हैं हमारी क्लास का चैप्टर, साइंस क्लास का चैप्टर थर्ड, एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ सभी को पता है कि लाइफ का मतलब होता है जीवनी जो अपने रहते हैं। एनिमल लाइफ मतलब एनिमल कैसे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे होती है, क्या क्या आगे उनके साथ में होता है, कैसे वो क्या क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, उसके आगे क्या क्या उनमें ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, आपने को उन सभी को इस चैप्टर में स्टडी करना है कि अपने को एक तरीके से एनिमल लाइफ, एनिमल बॉडी को स्टडी करना है। तो अपने चलते हैं फर्स्ट अपने टॉपिक पे, एनिमल किंगडम। जो पूरा एनिमल्स का किंगडम है, जो भी उनका पूरा अपने बोलते हैं कि सभी एनिमल्स को मिला के जो अपने बोलते हैं उसको बोलते हैं एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम क्या होता है, इसके अंदर सभी आ जाते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में जैसे रेंगने वाले, जिसको अपने कह सकते हैं लिजार्ड हो, लिजार्ड है, स्नेक्स हैं, उनको अपने बोलते हैं रेप्टाइल्स। जो मैमल्स हैं, मैमल्स में वो होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स ले सकते हो आप इसमें, या फिर कोई भी ले सकते हो, गोट्स ले सकते हो, या फिर इवन ह्यूमन बींग्स भी इसमें कंसिडर होते हैं, हॉर्स भी होते हैं, जो कि एक यंग वंस को बर्थ देते हैं, ना कि कोई एग्स ले करते हैं या फिर कुछ और, पर वो एक यंग वंस को बर्थ देते हैं। इसमें बर्ड्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स इनसे जो होते हैं वो एग्स ले करते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी ले करते हैं। इनमें क्या है कि अब जो एनिमल किंगडम है उनमें हर एक तरह के एनिमल्स आ जाते हैं। जैसे कि देखिए, अपने देखते हैं कि कई जो एनिमल्स होते हैं वो लैंड पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं, कई जो होते हैं वो एयर में रहते हैं, जैसे कि अपने बर्ड्स हो गए, कई होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश, फ्रॉग, ये सभी जो होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं। अब अपने बात करते हैं कि एनिमल किंगडम के आगे अपने को डिवीज़न करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एनिमल्स कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, ताकि उसको अपने इजीली स्टडी कर सकें। तो अपने देखते हैं कि उनको किस बेस पे सेपरेट किया जाता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। जो उनमें डिफरेंस होता है वो उनकी हैबिट्स और फीचर्स होते हैं। कि जैसे देखिए, उनकी हैबिट्स, जो मछली की हैबिट है वो क्या है कि वो पानी में रहती है, पानी में उसका सब सर्वाइवल होता है। जो बाहर वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे हॉर्स हैं या फिर जिराफ्स हैं, काओ है, तो इन सभी के अलग अलग फीचर्स होते हैं, दिखने में सभी अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी शेप्स होती है, शेप एंड साइज सब कुछ उनका अलग अलग होता है। जो मेन जो बेसिस है जिस पर अपने सेपरेट करते हैं वो होते हैं उनके शेप एंड साइज, क्योंकि जो चीज़ अपने को दिखती है शेप एंड साइज, उसके बेस पर अपने उनको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे अपने बात करें, छोटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको अपने बोलते हैं अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक इररेगुलर शेप का एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर अपने अपने पास थोड़ा सा होता है। इसका ना कोई ओपनिंग होती है ना कोई क्लोजिंग होती है। जब ये अपने अंदर से, ये अपनी स्किन से अपने इनलेट करता है और स्किन से आउटलेट करता है। जब इसके पास में एक वेस्ट यहाँ पे साइड में स्टोर हो जाता है, तो ये जो सेल होती है ब्रस्ट हो जाती है और ये बाहर अपने वेस्ट को निकाल देता है और दोबारा मिल जाता है। इसकी कोई शेप नहीं होती, सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि अपने को माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तब अपने को पता चलता है कि ये अमीबा ऐसी शेप का होता है। इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, ये इररेगुलर शेप का होता है, और ना इसकी कोई माउथ है ना इसकी कोई ओपनिंग्स है। तो अपने नेक्स्ट चलते हैं, जो सबसे अपने बड़े एनिमल्स में कंसीडर करते हैं, जैसे आप कंसीडर कर सकते हो एलिफेंट्स। एलिफेंट्स में क्या होता है, वो बाहर से खाते हैं और उनके सभी हर एक आइज, नोज, सब ओपनिंग्स होती हैं, और हर एक एनिमल्स जैसे अपने देखेंगे उनके अलग अलग फीचर होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अपने नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर कोई भी एनिमल है, जैसे अगर आपने खुद का भी कंसीडर करें, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। हमारे हम किस से ड्राइव हुए हैं, मंकीज से हुए हैं, ड्राइव हुए हैं, आगे से आगे हमारी स्पीसीज बनी हैं थोड़ा थोड़ा चेंज के कारण। तो अपने देखते हैं कि अगर हम भी हैं तो हमें भी कुछ खाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ एनर्जी के लिए चाहिए। अगर अपने खाना नहीं खाएंगे तो अपने कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में एनर्जी नहीं होती है, अपने को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वैसे ही एनिमल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है, हमें उस बारे में डिस्कस करना है कि एनर्जी कैसे आती है। जैसे आप देखिए, एनर्जी लाने के लिए आपको खाना खाना पड़ता है, मींस यू रिक्वायर फूड। तो सिमिलरली एनिमल्स भी क्या करते हैं, फूड को देखते हैं कि फूड खाते हैं, उसके बाद में वो आगे अपनी एनर्जी बनाते हैं। तो अपने को देखने की एनर्जी कैसे बनती है, तो जब अपने फूड खाते हैं, ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, जब अपने फूड खाएंगे, रिक्वायर्स फूड, जब अपने फूड खाएंगे तो फूड अंदर जाने के बाद में अपने पास जो उसके अंदर ऑक्सीजन जो अपने लेते हैं,
जैसे अपने सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन क्या काम करती है अपने अंदर, जो फूड होता है उसको बर्न करती है, उसको फूड को जलाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, ताकि जो उसके छोटे छोटे अपने पास में उसके अंदर प्रोटीन्स या मिनरल्स जो भी हैं, उसकी एनर्जी बन के अपने को अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ में आ सके। तो क्या होता है सीधा, एनिमल्स नीड्स एनर्जी, एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए क्या उनको रिक्वायर्स फूड, वो फूड देखते हैं। फूड के बाद में वो उनको पास जो ऑक्सीजन आ रही है वो क्या हेल्प करती है, वो बर्निंग ऑफ फूड में हेल्प करती है, फूड की एनर्जी बनाने में हेल्प करती है। और जब फूड बर्न हो जाता है तो हमारे पास में एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो देखो बच्चों, जो अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपने पास में ब्रीथिंग इन एनिमल्स। जैसे कि अपनों ने देखा कि ऑक्सीजन की अपनी ज़रूरत होती है जब अपने फूड को अंदर लेके जाते हैं, तो फूड के जो बर्न डाउन के लिए, एनर्जी बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो सबसे मेन पार्ट अपने पास में क्या है कि ऑक्सीजन किसके पास कौन कैसे लेता है, कौन सा एनिमल किस ऑर्गन से कैसे ऑक्सीजन लेता है, हमें सबसे पहले वो डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो, हमने एक ह्यूमन बीइंग का स्केच बनाया है और हमने बताया है कि ऑक्सीजन कैसे जाती है, ये अपने आगे आएंगे अभी। तो देखिए फर्स्ट, कि जो अपने पास में पहले एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे या एयर में रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एलिफेंट्स, या जो भी आप गलियों में भी जानवर देखते हैं या फिर हम जू में जाते हैं तो जानवर देखते हैं, जो भी हमारे लैंड पे रह रहे हैं उनको हम लैंड एनिमल्स बोलेंगे, और जो एयर में रहते हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए उनको भी हम एयर एनिमल्स बोलेंगे। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से। जैसे कि एयर होती है जो अपनी, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्सीजन का होता है। तो क्या करते हैं जो बर्ड्स और जो लैंड वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन एयर से लेते हैं, कि जब हम एयर अंदर लेके जाते हैं वो ऑक्सीजन कलेक्ट करते हैं हमारा, और उसके बाद में वो ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर जाती है और उसके बदले में हमारे पास क्या आती है, CO2 हम एक्सहेल करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये ह्यूमन बीइंग का स्केच है, इसके अंदर दिखाया गया है कि हमारे पास दो ओपनिंग्स हैं जिससे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। सो फर्स्ट इज़ आपका नोज़ और सेकंड इज़ आपका माउथ। यहाँ से अपने क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और जो अंदर अपने जो ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं लंग्स, जो क्या करता है, एक स्पॉन्ज की तरह होता है। स्पॉन्ज आपने देखा होगा जो ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट होता है, स्पॉन्ज बॉल्स भी आते हैं जिससे आप खेलते हैं, कि जिनको दबाओ तो वो कंप्रेस हो जाते हैं और हवा भरने के बाद में वो वापस फूल जाते हैं। तो वैसे क्या होता है कि जो लैंड वाले एनिमल्स होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं, वो बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, और जो लंग होती है वो एक स्पॉन्जी बैग होती है, जैसे हमने लिखा एक पेयर होता है स्पॉन्जी बैग्स के, जैसे आपको यहाँ पे दो दिखा रखे हैं, तो ये सिंगल नहीं होते हैं, दो के पेयर में दो होते हैं, मतलब एक पेयर होता है इनका। तो क्या होता है, स्पॉन्जी बैग्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एक छोटी छोटी ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्लड वेसल्स दिख रही है आपको, ये वाली ब्लड वेसल्स दिख रही है, ये क्या है, वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं इनके यहाँ पे एक सेंसिंग होती है, जिससे क्या करती हैं, जो ब्लड होता है इनके अंदर, इनको अपने कैपिलरीज भी बोलते हैं, कैपिलरीज जो ब्लड की बिल्कुल छोटी वेसल्स होती है, बिल्कुल पतले वाली वेसल्स होती हैं, उनको अपने कैपिलरीज बोलते हैं। तो इनके बाहर जो सेंसिंग होती है, इससे क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीजन है वो इनहेल कर लेते हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं, और जो ब्लड में जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक्सचेंज अपना कहाँ पे हो रहा है, ये अपना एक्सचेंज हो रहा है लंग्स के अंदर। तो जब ये क्या करेंगे, जब लंग्स यहाँ से इनहेल कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, O2 को तो इसके साथ में एक्सचेंज कर देंगे, जो CO2 आई है वो सेम पाथ से यहाँ से अपने पास में बाहर आ जाएगी, दोनों ओपनिंग से अपने कोई भी ओपनिंग यूज कर सकते हैं, तो वहाँ से अपने पास में CO2 बाहर आ जाएगी। तो ये तो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये बाहर वाले एनिमल्स जो लैंड एनिमल्स हैं उनके अंदर लंग्स कैसे काम करते हैं उसको अपने बोलते हैं। अब अपने बात करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट आप जैसे देखते हो बहुत तरह के इंसेक्ट होते हैं अपने पास में, लाइक कॉकरोचेज होते हैं, और भी अपने फ्लाइंग देखते हैं, कि जैसे अपने बोलते हैं थोड़े टाइम पहले अपने पास में टिड्डी दल आया था जिसको अपने एक हॉर्स बोलते हैं। तो क्या होता है, उनसे जो उनकी स्किन होती है, उनके पास में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता है, तो उनकी जो स्किन होती है वो स्किन की उनके ऊपर होल्स होते हैं, जैसे उनकी ये अगर स्किन है तो स्किन के अंदर एक छोटे छोटे होल्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, होल से क्या करते हैं, CO2 को, यानी जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल कर लेते हैं।
जो ऑक्सीजन है वो इनके हॉल्स के थ्रू अंदर चली जाती है। तो अब अपने बात करें कि अगर अंदर जब जा रही है, जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर तो जैसे अपने पास में कैपिलरीज हैं तो ये सारी बॉडी में जाती हैं, तो ये अपने को सभी को हर जगह पे ऑक्सीजन पहुंचा देंगी हर एक ऑर्गन को, ताकि हर एक ऑर्गन को एनर्जी मिल सके। पर इंसेक्ट्स के अंदर अपने कैसे कह सकते हैं कि उनके पास तो कोई ब्लड वेसल्स भी नहीं है, तो वो कैसे हर एक टिश्यू तक पहुँचेगी, हर एक टिश्यू तक कैसे पहुँचेगी ताकि वो हर एक जो ऑर्गन है उस इंसेक्ट का वो सही काम करे। तो उसके लिए क्या होता है, एनिमल्स के अंदर जो अंदर स्किन है, जो होल्स, जो ये होल्स हैं, इनको अपने क्या बोलते हैं, इन होल्स को बोलते हैं स्पायरेकल्स। जैसे कि आपको ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है, होल्स जो होते हैं इनको बोलते हैं स्पायरेकल्स। और जो इंसेक्ट्स के अंदर स्किन होती है उसके अंदर एक नेट शेप में नेटवर्क बना होता है, एक नेटवर्क जैसे अपने जिसको अपने जाल कहते हैं, वो जाल बना होता है जो उसकी पूरी बॉडी पे होता है। तो ये जो नेट है ये अपने को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है कि जैसे O2 जाएगी तो ये नेट के थ्रू हर एक टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाएगी। सिमिलरली जैसे ऑक्सीजन गई है उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे टिश्यू में आकर और इन्हीं होल से एक्सहेल भी हो जाएगी। मीन्स उसे अगर आप कोई भी देखते हैं, इंसेक्ट देखते हैं या एनिमल देखते हैं, सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो ऑक्सीजन लेंगे और CO2 को एक्सहेल करेंगे। तो जो अपने पास में थर्ड जो आता है वो अपने देखते हैं अभी। तो देखो बच्चों, अपने बात की अभी तक इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स के बाद में अपने पास में एक तरह के और एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन आती है, वो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है तो जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक जो होते हैं, वो आपको पानी में भी मिल जाते हैं, पानी में भी वो सर्वाइव कर रहे होते हैं और बाहर लैंड पे भी होते हैं। तो जो फ्रॉग्स होते हैं वो एक एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस के एक टाइप है कि वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। तो अपने बात करते हैं कि अगर पानी में रहते हैं तो जैसे कि हमने पढ़ा, पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स अलग होते हैं और जो लैंड पे रहते हैं उनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स अलग होते हैं। तो अपने बात करें कि जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो जो मेजर जो एडल्ट फ्रॉग होता है, यानी कि जो बड़े वाला फ्रॉग होता है, उसके पास में क्या होता है कि वो उसके पास में लंग्स होते हैं। जब वो बाहर, जब वो मैच्योर हो जाता है तो बाहर जब लैंड पे रहता है तो अपने लंग्स का यूज़ करता है, जैसे सभी ह्यूमन बीइंग्स के पास में या अदर लैंड एनिमल्स के पास में होते हैं। और जब वो पानी में जाता है तो पानी में वो क्या देखता है कि जो मॉइस्ट उसकी स्किन होती है, जैसे जो फ्रॉग की बाहर वाली स्किन होती है, जैसे ये स्किन है, तो वो अपने स्किन के थ्रू सांस लेता है या स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। तो ये होता है फ्रॉग्स का। पर अब बात करते हैं फ्रॉग्स के बेबीज़ की। जो बेबी फ्रॉग्स होते हैं उनको अपने बोलते हैं टैडपोल्स। जो बेबी फ्रॉग्स होते हैं वो टैडपोल्स बोलते हैं उनको। और वो दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं, बिल्कुल पतले पतले एक रेशो की तरह, जैसे आप देख रहे हैं इनको, जैसे आपको दिख रहे हैं इनको अपने टैडपोल्स बोलते हैं। तो ये किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, क्योंकि अभी तक ये मैच्योर नहीं हुए हैं तो ये बाहर लैंड पे नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये पानी में फ्लोट करते हैं। तो पानी में जब वो फ्लोट करते हैं तो उसके लिए उनको एक पानी वाले ऑर्गन की ज़रूरत है जिससे वो सांस ले सकते हैं। तो जो टैडपोल्स होते हैं वो गिल्स का यूज़ करते हैं। जो गिल्स होता है वो क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर से पानी पास होता है। जैसे जो गिल्स जिनके पास में होते हैं वो पानी को इनहेल करते हैं, पानी को अंदर लेके जाते हैं, और जो गिल्स होते हैं वो गिल्स क्या करते हैं, उसे जो उसमें से ऑक्सीजन है, जो वाटर में कुछ अमाउंट की गैस डिजॉल्व होती है, उसको अपने ऑक्सीजन जो होती है उसको इनहेल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने फिश को लेते हैं, जब फिश की बात करेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा कि गिल्स कैसे होते हैं और क्या उनके फ़ायदे होते हैं। जैसे फिश है, फिश को हमेशा पानी में रहना होता है, तो क्या करती है वो, फिश के पास में एक जो मेजर ब्रीथिंग ऑर्गन होता है वो सिर्फ एक ही होता है और वो होता है गिल्स। तो जैसे कि आप देखेंगे जो फिश होती है वो क्या करती है, वाटर को इनहेल करती है, वाटर को अपने अंदर लेके जाती है। और जब वाटर को अपने अंदर लेके जाती है तो अंदर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये गिल्स की स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये देखो आपके पास में, इसको जूम करके दिखाएं तो जो ये वाटर है, जब आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो वाटर इनके कॉन्टैक्ट में आएगा, इसको टच होगा ना इसके सरफेस को, और जब इसको टच होगा तो जो ऑक्सीजन है, जो पानी में ऑक्सीजन है अपने पास में, वो क्या करेगा, यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगी। अब जैसे अपने को पता है ऑक्सीजन लेते हैं तो जो अपने ऑर्गन्स के बाद जो अपने रिलीज करते हैं वो CO2 होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से अंदर जाएगी और CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा, CO2 वाटर में मिल जाएगी और ऑक्सीजन जो वाटर की है वो अंदर चली जाएगी,
गिल्स के थ्रू, और वो जो स्पीसीज है वो सर्वाइव कर पाएगी। और अगर अपने बात करते हैं कि कुछ ऐसे स्पीसीज होती हैं जिनमें कोई भी ब्रीथिंग ऑर्गन नहीं होता है, जो स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन है वो नहीं होता है, तो वो कैसे सर्वाइव करती है? क्योंकि अपने को अपनों ने ये पढ़ा कि कोई भी एनिमल किंगडम का, कोई भी एनिमल ले लो, इंसेक्ट ले लो, कुछ भी ले लो, हर एक को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़रूर होगी। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे कि जिनके पास में ऑर्गन ही नहीं वो कैसे ब्रीथ करेंगे? तो उसका एग्जाम्पल अपने पास में अर्थवॉर्म। जैसे कि आपने देखा होगा मिट्टी में आपको बहुत छोटे छोटे कीड़े मिलते हैं, उनको अपने अर्थवॉर्म कहते हैं। जो वॉर्म्स जो अर्थ के अंदर मिलते हैं उनको अपने अर्थवॉर्म बोलते हैं। उनकी शेप कुछ इस तरह की होती है, आपने देखा होगा। तो ये क्या है कि ये जो होते हैं ये स्किन सेंसिटिव होते हैं, ये स्किन से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जो ऑक्सीजन जो है वो स्किन से एक्सचेंज करते हैं। जो O2 है वो इनके स्किन से अंदर जाती है और जो CO2 है वो इनके स्किन से ही बाहर आती है। तो ये अपने पास में आज अपने डिस्कस किया है कि कौन सा एनिमल किस तरीके से कैसे ब्रीथ करता है। तो अब जैसे देखिए ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें मेजर पार्ट होता है ब्लड। जैसे कि आप देखेंगे इनमें ब्लड होता है, मोस्टली एनिमल में ब्लड होता है। तो एनिमल का जो एनिमल में जो होता है, जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनका जो मेजर कौन से जो होता है पार्ट, वो हीमोग्लोबिन होता है। जो ब्लड में एक सब्सटेंस बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है आपके जो ब्लड है उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही आप देखिए जो हीमोग्लोबिन है वो इंसेक्ट्स में नहीं होता है। जो हीमोग्लोबिन नाम का जो ये अपने पास में है ये उसमें इंसेक्ट्स के ब्लड में नहीं होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे इंसेक्ट्स का जो ब्लड होता है इसी कारण रेड कलर का नहीं होता है। इंसेक्ट्स का ब्लड कभी भी आपको रेड कलर का नहीं मिलेगा। आप अगर कहीं से ऑब्जर्व करें, इंटरनेट से एक्सप्लोर कीजिए, आप सर्च कीजिए कि एनिमल्स का ब्लड जो है वो, जो इंसेक्ट्स का ब्लड है वो रेड नहीं होगा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। पर जो ह्यूमन बींग्स या फिर जो लैंड एनिमल्स अदर जो हैं उनका ब्लड रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होता है और ये हर एक में सर्टेन अमाउंट से अलग अलग होता है। तो उम्मीद है आपको ये सबको अच्छे से समझ आया होगा। इसके अगले वाला जो लेक्चर है उसमें अपने आगे स्टडी करेंगे कि कौन सा एनिमल क्या खा के जिंदा रहता है, उसके फूड की टाइप्स पढ़ेंगे और आगे सब इससे आगे से आगे अपने एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।